जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो लखनऊ में मुस्लिम कार सेवक मंच के सदस्य खुशियां मनाएंगे। 22 जनवरी को जब पूरा देश राममय होगा तो शहर के टेढ़ी पुलिया चौराहे पर वे मिठाइयां बांटेंगे। वर्ष 2010 से अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनवाने की पैरवी कर रहे लखनऊ के आजम खान के साथ कई जिलों के 800 मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं। कुर्सी रोड स्थित जेनेसिस क्लब में रहने वाले आजम पूर्व में कई बार चर्चा में आ चुके हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 70 वाहनों के काफिले के साथ शिला लेकर गए थे। संत समाज से श्री रविशंकर, नृत्य गोपाल दास से उनकी भेंट हुई। आजम खान के अनुसार राम मंदिर निर्माण में भारतीय न्याय व्यवस्था का योगदान है, तो वहीं अधिसंख्य भारतीय मुस्लिमों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। रामनगरी अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब का नमूना एक बार फिर देखने को मिलेगा। राम जन्मभूमि के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन हो रहा है। ऐसे में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भी 22 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि जिस भूमि पर भंडारे का भोजन तैयार होगा वह अयोध्या के कजियाना मोहल्ला निवासी नूर आलम की जमीन पर बनाया जाएगा। नूर आलम के आरा मशीन की यह जमीन श्रीराम जन्मभूमि की सरहद से सटी हुई है। यहां कई मुस्लिम परिवारों के घर और इबादत गाह स्थित है। साथ ही बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी के आवास के सामने सड़क के दूसरे छोर पर है। नूर आलम कहते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन भंडारे का खाना बनाने के लिए निःशुल्क दी है। यहां भोजन बनाने के लिए अस्थायी निर्माण कराया जा रहा है। यह जमीन उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी के कहने पर दी है। भोजन उनकी जमीन पर बनेगा लेकिन भंडारे का वितरण सड़क पर किया जाएगा।